तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये सारे व्यूज़? बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है। इसमें जो जालीनुमा संरचना है उसको बनाने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। क्या वो प्रोडक्ट है, क्या उसकी साइजिंग आती है, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या उसके लिमिटेशंस हैं, आज समझेंगे हम पूरा इसी वीडियो में। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। सब्सक्राइब करिए GM डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। तो मित्रों आज का हमारा टॉपिक है टेराकोटा जालीस। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी है, इसी तरह की जाली यूज करके जो हमने आपको पहले डिजाइन दिखाई वो सारी तैयार की गई है। दोस्तों ये क्ले का बना हुआ प्रोडक्ट होता है, मिट्टी का बना हुआ प्रोडक्ट है, पूरी तरह नेचुरल है, इको फ्रेंडली है। इसको विभिन्न सांचों में डालकर और लगभग 500 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर पकाया जाता है। पकने के बाद इस तरह से इसका ब्राउनिश रेडिश लुक आ जाता है और एक हार्ड फॉर्म में हमको ये टेराकोटा जाली मिलती है। इसकी अगर साइजिंग की बात करें तो जनरली जो मार्केट में साइजिंग चल रही है वो 8.5 इंची बाई 8.5 इंची, जनरली 90% जो टेराकोटा जालीज है इसी साइज में आती है और लगभग 2.5 इंची इसकी विड्थ आती है। और अगर इसके वेट की बात करें तो लगभग इसका 2.5 से 3.25 किलो वजन एक जाली का रहता है। नेचुरल क्ले का बना होने के कारण इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ, इको फ्रेंडली है, रिसाइकलेबल है, टूट जाए या फिर उसको हम निकालें तो उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। उसके बाद कोई से भी वेदर कंडीशन का इस पर कोई असर नहीं होता है, चाहे तेज गर्मी हो चाहे बरसात हो, ये एज इट इज़ रहेगा, कोई बैक्टीरिया फंगस भी इसमें नहीं लगता है। उसके बाद आपने इसको एक्सटीरियर वॉल के रूप में काम लिया है तो आपके जो एयर फ्लो है उसको भी ये मैनेज करता है। एकदम तेज हवा नहीं आके जालियों के अंदर से कंप्रेस होके हवा आएगी तो वो थोड़ी सी मीडियम प्रेशर से भी आएगी और ठंडी भी हो जाएगी। ये देखा गया है कि टेराकोटा जाली लगाने के बाद अपने घर के अंदर का टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, तो एज ए कूलेंट भी ये काम करता है। उसके बाद आप समझेंगे, अगर हमने ये जाली लगा रखी और बाहर से तेज सूरज की रोशनी आ रही है, जाली लगने के बाद सूरज की रोशनी पूरी डायरेक्ट नहीं आएगी, थोड़ी कम रोशनी आएगी, जैसा कि कुछ फोटोज भी मैंने अटैच किए हैं। उससे क्या होगा कि अंदर आपको सूरज की रोशनी भी मिलती रहेगी और एक अच्छा एम्बियंस भी निकल के सामने आएगा। साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। इसको लगाने के बाद बाहर के जो शोर आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो एक फ़ायदा ये भी है। लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार लगा दिया सालों साल चलता रहेगा। और चाहे आप ट्रेडिशनल लुक में लगाएं या मॉडर्न डिज़ाइन के अपना इंटीरियर है या एक्सटीरियर है उसमें लगाएं, दोनों जगह फिट बैठता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी कॉस्टिंग, बहुत ही इकोनॉमिक प्रोडक्ट है दोस्तों। ये एक पीस मार्केट में लगभग 80-85 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी क्या है और वो किस कंपनी का बना हुआ है और किस तरह से उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इतने सारे फायदे होने के बाद थोड़ी बहुत इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको हम कमियां नहीं कहेंगे, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि पहली लिमिटेशन क्या है, इसको अगर हमको इंस्टॉल करना है तो एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में लगाने के लिए जितने पीसेस की रिक्वायरमेंट है उसको आपको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ दो पीसेस को जोड़ने के लिए जो बीच में सीमेंट या ग्लू का जो मार्जिन रहेगा उसकी भी कैलकुलेशन परफेक्टली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको काटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि ईंट की तरह काट के छोटा सा टुकड़ा लगा दिया, कटने के बाद इसका पूरा पैटर्न ही खराब हो जाता है। तो अगर हम परफेक्ट कैलकुलेट करके लगाएंगे तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक देगा। लगाना तो नो डाउट उसको आसान है, बट उसको पैटर्न बनाना थोड़ा सा एक टेक्निकल और एक्सपीरियंस वाला अगर लेबर करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा इसमें एक लिमिटेशन है, ये क्या है, पोरोसिट होता है, मतलब पोरोसिटी इसके अंदर है, तो थोड़ा डस्ट को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ी मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। पर इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए आजकल ग्लेज्ड टेराकोटा जाली आ गई है, उसके ऊपर एक ग्लेज्ड लेयर चढ़ी रहती है ताकि उसकी पोरोसिटी कम हो जाती है और उसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाती है और धूल मिट्टी भी उसके ऊपर नहीं जमती है। और हम चाहें तो एक जो लिकर पॉलिश आती है, जो क्लियर पॉलिश होती है, वो लगाकर भी हम ये धूल मिट्टी जमने वाली समस्या कम कर सकते हैं। बाद में अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो हम इसको नलची लगा के धो तो आसानी से सकते ही हैं। एक लिमिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, एक पूरा पैटर्न लगने के बाद में, वैसे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हार्ड है, लॉन्ग ड्यूरेबल है, पर किसी कारण से अगर कोई पैटर्न बीच में से ब्रेक हो जाता है तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू और थोड़ा सा एक लेबरियस इशू हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस को हटाना, बाकी प्रोडक्ट डिस्टर्ब नहीं हो, बाकी जो डिज़ाइन हो डिस्टर्ब नहीं हो, उसको मैनेज करना, उसके बाद वापस उसको रिपेयर करना, थोड़ा सा ये एक मैनेजमेंट वाला काम हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के
बहुत सारे एडवांटेज और लुक के कारण, और सबसे बड़ी बात प्राइसिंग के कारण इसके जो यूजर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइड हैं। एक्सटीरियर की हम बात करें तो हमारी रेलिंग हो, बालकनी हो, या फिर एक्सटीरियर एलिवेशन हो, एक्सटीरियर वॉल हो, ऑफिस वॉल हो, इवन जो छत पे रूफ गार्डन बनते हैं वहाँ इसका यूजेज बहुत ज़्यादा वाइड है और काफ़ी अच्छा लुक भी देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, जैसे कि हमारे डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के बीच का पार्टीशन है, या बेडरूम में कोई हमें ड्रेसर रूम के बीच का पार्टीशन देना है, किचन में भी हम इसको कई जगह काम में ले सकते हैं, विंडो में काम में ले सकते हैं, आपने योगा करने के लिए कोई स्पेस बना रखा है वहाँ पर आप इसको काम में ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज़ है इंटीरियर में, जैसे मान लो टीवी पैनल के अंदर हम काम में ले सकते हैं, रूफ में, जी हाँ दोस्तों, कहीं इसको स्काईलाइट के रूप में, रूफ में भी कई जने इसको काम में लेते हैं। तो लिमिट नहीं है दोस्तों, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि कहीं पे भी आसानी से फिट हो जाता है और उस पूरे इंटीरियर को मैच कर जाता है। तो दोस्तों जब भी आप अपना मकान रिनोवेट करा रहे हैं, बेडरूम रिनोवेट करा रहे हैं, या पूरे मकान को कुछ नया लुक देना चाह रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। इससे न केवल आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर का लुक अच्छा आएगा, बल्कि हमारी जो बाहर की हवा है और सूरज की रोशनी है उसको भी हम एक कंट्रोल्ड वे में हमारे घर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से नए नए प्रोडक्ट्स देखने के लिए और उनके यूजेस क्या हैं ये समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियोस को हम उसी अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें। और हाँ, एक खास बात, हमारे पास ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग और ऑनलाइन बेडरूम डिजाइनिंग की सर्विसेज अवेलेबल है। यदि आप अपने घर को रिनोवेट कर रहे हैं या फिर नया बना रहे हैं, तो इन बहुत ही इकोनॉमिक सर्विस का यूज़ करके आप अपने घर को, अपने सपनों का घर बना सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।